कैराना में बीजेपी जांच दल ने कई इलाकों का दौरा किया। इसी दौरान जांच दल को स्थानीय नागरिकों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। आज जांच दल अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगा। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कैराना में गए जांच दल की रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक की जाएगी। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने भी ऐलान किया है कि शुक्रवार को वो 5,000 समर्थकों के साथ कैराना जाएंगे। वहीं आज जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम और एनसीपी का 5 सदस्यीय दल भी कैराना जाकर जमीनी हालात का जायजा लेगा। जेडीयू के केसी त्यागी, सीपीआईएम से मोहम्मद सलीम, सीपीआई से डी राजा, एनसीपी से डीपी त्रिपाठी और आरजेडी से मनोज झा कांधला और कैराना दोनों जगहों का दौरा करेंगे। आज हमारी टीम भी जा रही है और हम अपने हिसाब से फैक्ट फाइंडिंग करेंगे और हिंदुस्तान के अवाम को बताएंगे कि मोदी जी और अमित शाह जी की टीम जो करना चाहती है इस मुल्क में कि बाड़ों में बांटो, बेड़ों में बांटो, लोगों को अलग अलग हलकों में बांटो और काम कुछ ना करो, नफरत की फसल पे वोट काटो, इस परिस्थिति का, इस प्रस्थापना को हम एक्सपोज करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जा रहे हैं, वहाँ सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के नागरिकों से मिलेंगे, प्रशासन से भी मिलेंगे और स्थिति को पूरी तरह देखेंगे कि असलियत क्या है। वैसी असलियत बहुत कुछ आ चुकी है, तमाम पत्रकारों ने, तमाम अखबारों ने, तमाम चैनलों ने इस पर स्टोरी की है, कितना सच है कितना असत्य है सब सामने आया है। अब उसको जाकर हमको विचार करना है और उस विचार के साथ हमारे दौरे का एक उद्देश्य ये भी है कि अमन और शांति बनी रहे, हम इसकी भी बात करेंगे। नेता उद्देश्य बता रहे हैं कि अमन और शांति बनी रहे। अमित पांडे आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है अमित पांडे वहीं से। अब नेताओं को अमन और शांति की याद आ रही है, पलायन तो हर जगह से देश में कई इलाकों से हुआ है, तब नेताओं को याद क्यों नहीं आती? क्या इशारा सीधे सीधे वोट बैंक, उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 पर है? जी बिल्कुल, इस पूरे के पूरे मामले में यहाँ पर नवजोत जो राजनीति है वो चरम पर है। कल बीजेपी का जांच दल आया था और आज जो अन्य पार्टियों का जांच दल यहाँ पर आएगा ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर लेने, तो और कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर कल निशाना साधा था कि यहाँ पर धन के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही थी। तो राजनीति जो है चरम पर है यहाँ पर, लेकिन एक बहुत अलग चीज है यहाँ पर, कुछ यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे हम पूछते हैं कि क्या इनका कहना है। पूर्व सैनिक संघ है कैराना और शामली, ये जगह जहां पर बड़ी तादाद में लोग सेना में जाते हैं। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष हैं जोगिंदर कुमार जी, आप नेताओं का ये जो लगातार दौरा हो रहा है किस तरीके से देखते हैं? ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, ना कि समस्याओं के समाधान के लिए। चुनाव आने वाले हैं प्रदेश में अगले साल, उनकी तैयारियों के लिए, वोट बटोरने के लिए, ना कि लोगों की समस्याएं हल करने के लिए। एक आम इंसान यहाँ पर चूंकि इस पहलू को, शामली और कैराना के इस पहलू को नहीं देखा कि इतने भारी तादाद में सेना में लोग जाते हैं, तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि देश में हमारे सेना में रहने वाला, सर्विस करने वाला, कोई रिटायर्ड हो या करने वाला हो प्रेजेंट में, हर आदमी देश में अमन चाहता है। वो सेना में रहने वाले लोग कभी भी झगड़ा नहीं चाहते किसी भी समय। हम तो यही चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान करें राजनीति। तो एक पहलू यहाँ पर ये भी है कि लोग यहाँ पर चाहते हैं राजनीति कम हो, चैन, शांति और अमन यहाँ पर हो, कायम रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जनता है, सब कुछ जानती है, नेताओं के इस दौरे का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, भले ही नेता कुछ भी कहें लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए।